दोस्तों यहाँ देखिए प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, पड़ाव रामनगर टेंगरा मोड़ NH7 शेष भाग अन्य जिला में फोलेन चौड़ीकरण काम हो रहा है। 6.8 किलोमीटर लंबाई है। 198 यानी लगभग 200 करोड़ प्रोजेक्ट की लागत है। 19/10/2022 काम स्टार्ट हुआ था, 18/1/2024 कम्प्लीट करना था। काम करने ठेकेदार का नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ठेकेदार बहुत ढीला है, तो पढ़ लीजिए। मेसर्स विजय कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी VCIPL, ठीक है। और यहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। सामने है आपका सेंट फ्रांसिस स्कूल, ठीक है। इधर है आपका टेंगरा मोड़। चलिए यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वीडियो आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर डेट टाइम की बात करें वो भी दिखा दें, तो कहेंगे कब का वीडियो कब का नहीं, ताज़ा माल है। अभी हो रहा है 6:42, ब्राइटनेस बढ़ा दूँ। और 8 अगस्त है, दिन गुरुवार, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग राइड अपना स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं पूरा नज़ारा। और अभी टाइम रहा 6:42, और देख सकते हैं सुबह सुबह खाली रहता है, रोड खाली रहता है, वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है काफ़ी। देख सकते हैं ये जो डिवाइडर देख रहे हैं, ये आपका बनाया जा रहा है एयरपोर्ट रोड के तर्ज पर, जिस प्रकार एयरपोर्ट रोड बनाया गया उसी प्रकार का, ताकि बीच में पेड़ पौधे लगाए जा सके, लाइटिंग किया जाए, रात में एकदम नज़ारा सुपर होगा, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। यहाँ बाएं तरफ देखिए चौड़ीकरण किया गया है, और जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पर नाली भी सर्विस कॉरिडोर काम और सीवर लाइन बिछा दिया जा रहा है। इलारा भुला गए होंगे। बाकी काम की रफ्तार देख ही सकते हैं यहाँ पर कैसा है। ये सबसे बड़ी बात होती है ना, ठेकेदार के लेट नहीं है, दिक्कत है भाई जमीन अधिग्रहण में। सीवर लाइन यहाँ नया डाला जा रहा है। उसी द्वारा खुदाई चल रही है, ये लगभग इतना मोटा पाइप डाला जा रहा है। हमने लिखा आदित्य विजन, फिर दाएं साइड देखिए मकान आप जो तोड़े गए हैं। ठीक है, बाकी रोड की बात करेंगे तो लगभग रोड आपका डिवाइडर से एक साइड 43 फीट और डिवाइडर का एक साइड 43 फीट चौड़ा किया जा रहा है। देखिए इसमें रोड लगभग 33 फीट का है, और ये रोड जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपका तार को देखिए, यहाँ मंदिर के टूटना पक्की है, तो अभी केस चल रहा है इसका, इस वजह से रुका हुआ है। ये दाहिने साइड मकान में तोड़ दिया गया है। अब ये भी रोड साफ दिख रहा है अच्छे से, ये पता नहीं कब तोड़ेंगे अपना ट्रांसफार्मर वाला मैटर। देखिए बाएं तरफ आप नारी के खुदा के गड्ढा, अभी ये विशाल पेड़ कटना बाकी, देखिए कटेगा तो बाबर रोड पूरा जाम हो जाएगा। और यहाँ से एकदम रामनगर नक्शा ही बदल गया है, देखिए कितना छोटा छोटा रोड बनाया जा रहा है। अभी ये दहने से छोड़ना मकान बाकी है, खाली तो हो गया है, कब देखे तोड़ा जाता है। बाएं तरफ भी देखिए, सामने है रामनगर चौक, यहाँ से बाएं निकल जाएंगे किला के लिए, फोर्ट के लिए। यहाँ ज्वेलरी सब ज़्यादा है। और ये देखिए बीचों बीच ये गीला वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बाएं तरफ रामनगर थाना का नया मुख्य प्रवेश द्वार बन रहा है, पुराना वाला तोड़ दिया गया था। बाएं साइड देखिए यहाँ फिसलन कीचड़ से एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसे गाड़ी चलाइएगा तो आराम से चलाइएगा।
बारिश की वजह से पूरा यहाँ पानी भर गया, देख रहे हैं। ये देखिए पेड़ अभी का बड़ा लेट अभी काटा गया, नहीं काट दिया गया है। दाने सर देख रहे हैं ये वाला, ये भी रुका था, हो गया। और देखिए इतना याद आ रहा है कि यहाँ पर अभी नाली बनाना है। उधर साइड भी काम हो चुका है आपका, नाली का सर्विस कॉरिडोर का। ऐसे सही बात बोले तो बहुत धीरे काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट का। देखिए इससे क्या होता है, आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काम की रफ्तार होनी चाहिए। देखिए यहाँ जल जमा हो चुका है ऐसा, देखिए नाली बनाया जा रहा है ताकि पानी इस पार से उस पार हो सके, जो ड्रेनेज बनाया गया उसमें आने जाने के लिए पानी। अभी हम लोग आ गए हैं पीएससी गेट, यह है 36वीं वाहिनी पीएससी गेट, यह है पीएससी चौराहा। अब देखिए ट्रकों का यहाँ पर आतंक चालू, देख रहे हैं। दाने साहब दुर्गा माता मंदिर चलाता है, यहीं से हाईवे जुड़ जाता है ना, ट्रकों ट्रक जितने हैं यहीं से आते हैं ज़्यादातर। देखिए पेड़ पौधे यहाँ लग गए हैं, चलिए प्लांटेशन काम। बरसात में कलर ऐसा अच्छा है, पकड़ भी लेगा इस समय। रकार दो रोड ब्लॉक नहीं मानेंगे ना। सुबह से रोड बनाने से थोड़ा फ़ायदा होता है कि आपका रोड खाली मिलता है तो फ्यूल और समय बचता है, जो कि आगे किसी वीडियो बनाने में काम आ जाता है। यहाँ डाइवर्जन किया गया है, ऐसा मशीनें भी पार्किंग कर दी गई रोड पे ही। पेड़ पौधे लग गए मिट्टी डाल के। अभी और पेड़ पौधा लगाने बाकी है, अब इस प्रोजेक्ट की सुस्त रफ्तार के लिए आप किसी दूसरी ठहराना चाहते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। क्योंकि जब तक बिजली भगले से खंभे नहीं हटाएंगे तब तक काम कैसे आगे बढ़ेगा। रोड की हालत एकदम खराब है, अब बन जाए तभी आने लायक यहाँ पर है, ऐसे आने लायक नहीं है। देखें आप नई लाइट्स लग रही हैं, इतना ही दूरी में बड़ा डाइवर्जन रखे हैं। ये होता है जब तक रोड बंद है तब तक समस्याएं होती हैं, बन जाने के बाद थोड़ा आराम हो जाता है।
सबसे बड़ी समस्या दोस्तों प्रोजेक्ट में है वो है अंडर पास। आगे वाराणसी मुगलसराय रेलवे लाइन का अंडर पास है, उसका चौड़ीकरण करना है, इसके लिए 20 करोड़ का बजट पास किया गया है। देख रहे कीचड़ का पूरा एरिया हो गया, बरसात में कौन इस साइड आना ज़्यादा आएगा, और जो डेली आते जाते हैं उनको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। अब पहले ज़्यादा वाहनों की संख्या बढ़ी है, पहले इस रोड पर इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे लोग रामनगर बरसना स्टार्ट किए हैं ट्रैफिक बढ़ा है पहले से। धीरे धीरे गंगा जी का भी जलस्तर बढ़ रहा है इस समय, ऐसे 84 घाट पूरे मैक्सिमम डूब चुके हैं, अब तो बढ़ेगा लग रहा है, रोड में पानी चला जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं रोड की क्या स्थिति है, इससे बढ़िया तो पहले ही वाला रोड था, बनने से पहले ही रोड ज़्यादा बढ़िया था। ऐसे सही बात बताऊँ मैं, मुझे खुद ये वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं बनाने का मन नहीं था, बनाने मन था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की स्पीड को देख के मूड ख़राब हो जा रहा है। कोई खास अपडेट नहीं, बस चल रहा है बस। सबसे अच्छा तो चल रहा है आपका चांदपुर केलवा 4 लेन, यह आगे हम लोग अंडर पास के पास। देख रहे हाइट भी कम है और जगह भी छोटा है, एक साथ दो गाड़ी एक ट्रक जा नहीं सकता है, इसको लगभग 26 मीटर चौड़ा किया जाएगा। पहले हम लोग पड़ाव आ चुके हैं, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। अब पड़ाव से दाहिने निकल जाएंगे मुगलसराय के लिए, जो कि लगभग 8 किलोमीटर है।